वर्गीय असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी मीटिंग अपनी पिछली कांग्रेस सरकार में अपन क्या कर चुके हैं, अब आने वाली कांग्रेस सरकार में क्या करने वाला है बोलने के लिए अभी अपने पास आए हैं इमरान प्रताप जी। आपको पूरा खुल्लम खुल्ला बताएंगे, आप पूरे जरा सबर करके वेट करिए। उससे पहला अपना तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से अपन माइनॉरिटीज के वास्ते एक सप्लान डिक्लेरेशन कर चुके हैं, उसमें जो है ना 6 महीने में अपने सरकार आने के बाद 6 महीने में जो है ना ये जो माइनॉरिटीज और बीसीस के बारे में कास्ट बाय सेंसस का कैलकुलेशन करके जो है ना बीसीसी और बीसीई ग्रुप में बैकवर्ड क्लासेस में मिलाने के वास्ते एक अच्छी कानून लेके आएंगे बोल के हम आपको इतला दे रहे हैं। और माइनॉरिटी का बजट 4000 करोड़ को बढ़ाएंगे और उसमें 1000 करोड़ का तो सब्सिडियां रहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के बारे में और जो अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में सब्सिडीज देंगे और एजुकेशन में भी अब्दुल कलाम तोहफा ए तालीम स्कीम के तरफ से पीएचडी और एमफिल जो पढ़ेंगे अपने माइनॉरिटी भाइयों उनको 5000 रुपये का जो है ना उनको पढ़ाई के वास्ते सरकार की तरफ से देंगे। और तेलंगाना और आपको मालूम है सर मस्जिदों में जो है ना इमामों को मस्जिदों को खदीमों को सबको जो है ना 10,000 जो रेस्पेक्टेड सैलरी जो है उसको 12,000 रुपये बढ़ाएंगे। और तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1998 को जो है ना अपन अमेंडमेंट करके इसको असेंबली में पेश करके जो वक्फ के प्रॉपर्टी पूरे कब्जा हो जा रहे हैं टीआरएस सरकार में तो इसको पूरा अपन फिर वापस ले लेके माइनॉरिटियों को दे देंगे। और जिसको घर नहीं है मुस्लिम भाइयों को सबको इंदिरा घर 5,00,000 रुपये से देंगे। और जो ना सेप्टन बोल के एक चन्ना रेड्डी साहब डॉक्टर हमारे चन्ना रेड्डी साहब एक सेप्टन बोल के माइनॉरिटी भाइयों के वास्ते जो है ना माइनॉरिटी भाइयों के वास्ते सेप्टन बोल के एक छोटा मिनी बस डाल के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हैदराबाद में शुरू करे थे डॉक्टर हमारे चन्ना रेड्डी साहब अपने विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के श्रीपुरम गांव के हैं अंसारी साहब अपने प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ पे मौजूद है उनका इलाका कहीं है जो है ना चन्ना रेड्डी साहब पहली बार अपने हैदराबाद में जो है ना सेपरेट सर्विसेज बोल के खोल के माइनॉरिटी लोगों को सेपरेट गाड़ी दे के वो लोग चलाने के वास्ते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम पहली बार जब खान साहब बोल के थे उनको MD रख के वो शुरू करे थे वही खान साहब को जो है ना राज्यसभा को मिला है विजय कांग्रेस पार्टी। मैं पूछ रहा हूँ कैसे क्यों आप एक आदमी को भी एक माइनॉरिटी भाई को क्यों राज्यसभा नहीं भेजा रहे क्यों नहीं भेजा रहे बोल के पूछ रहा हूँ। हमें खान साहब को सेपरेट का चेयरमैन बना के हैदराबाद में माइनॉरिटी भाइयों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम दिला के वही खान साहब को जो है हमारा राज्यसभा मेंबर हम उनको 3 बार उनको नॉमिनेट कर चुके हैं आप एक बार भी एक माइनॉरिटी को नहीं कर रहे। और जो है ना केंद्र सरकार बीजेपी सरकार माइनॉरिटियों के खिलाफ में NRC समझो तीनों तलाक समझो जो भी ला रहा माइनॉरिटी के खिलाफ में तुम उसको जो है ना सेंटर में सपोर्ट कर रहे। अगर खान साहब के सर के माइनॉरिटी भाइया राज्यसभा में है तो वो नहीं सपोर्ट करेंगे इसलिए जो है ना तुम राज्यसभा को माइनॉरिटी भाइयों को किसी को भी भिजा रहे नहीं बोलते मैं बोलते हुए यहाँ पे जो है ना अपना महेश शेट्टी को पूछ रहा हूँ उसके खानदान से जो है ना 30 साल से वो लोग यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं मेरा खाली 4 साल का हुकूमत था 4 साल की हुकूमत में जो है ना मैं 5,000 करोड़ रुपए के सैंक्शन ले गया हैदराबाद से बीजापुर को 1,300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ले गया हैदराबाद से बीजापुर प्राणी का 6 लाख और खाली 6 लाख तक था मैं जो है ना परगी तक राजशेखर साहब को विकाराबाद ग्राउंड में पूछ के उसको एक्सटेंशन कराया ये CM वो रोक दिया। और ये जो हैदराबाद से बीजापुर का भी मन्नेगुड़ा का काम शुरू नहीं करा खाली मन्नेगुड़ा से 4 ट्रैक रोड था उसको 3 ट्रैक रोड बनाया। और किरण कुमार रेड्डी भी परी में लेके आके एक दलित पढ़ने का AC रेजिडेंशियल स्कूल में राइट में सोचा के परी के वास्ते रेलवे लाइन 50% सैंक्शन करा
और मुनियापा साहब तेल नालियों मंदिर 50% सैंक्शन कर चुके थे, ये सीएम रोक दिया यहाँ पे। और एक नेवी रेलवे स्टेशन पुडुर में आने गया, नेवी का 1900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो भी रोक दिया है। पूरा मैं जुमला बोल रहा हूँ, टोटल अराउंड 5000 करोड़ वर्थ का प्रोजेक्ट परकी के गांव से। जब केंद्र में राष्ट्र में कांग्रेस सरकार थी 2004 से 2014 तक, 5 सैंक्शन प्रोजेक्ट में 400 करोड़ का कंप्लीट हुआ, बाकी का 4500 करोड़ रुपए का पूरा पेंडिंग रख दिया। आज वो है ना 10000 करोड़ भी चले गए, अब आने वाली कांग्रेस सरकार में 10000 करोड़ रुपए परगी को लेके आके परगी को नंबर वन करेंगे करने के लिए। मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आपको मालूम है मैं एक सेक्युलर फैमिली का हूँ। शायद पल्ली दरगाह हमारे परदादा जा गए थे, उनको बच्चे नहीं हुए तो शायद पल्ली दरगाह को जाके उन्हों प्रेयर करें, अल्लाह मेरे को बेटे दे, अगर बेटे दिए तो मैं सुभान अल्लाह का नाम रखूंगा बोल के मेरा परदादा कबूल करे थे। तो दुआ दिए अल्लाह बेटा पैदा हुआ तो सुभान अल्लाह का नाम मेरा दादा को रखे थे। मेरा दादा 350 एकड़ का पटेदार है, तो गरीब लोग बहुत लोग जमीन दिए, उन्होंने 7 बेटे 4 बच्चे आए तो मिलिट्री में भी जाए कर्नल बनाए, एक आदमी को एसपी बनाए, एक आदमी को बीएचएल में सीनियर मैनेजर बनाए, बहुत बड़े बड़े कामों में बनाए और जो है ना पढ़ाए बच्चों को अच्छा। वैसे उसमें से मैं आके मेडिकल कॉलेजेस खोला, डॉक्टरों को बना रू, टीचर्स को बना रू, इंजीनियरों को बना रू, 15,000 लोगों को देश विदेश में डॉक्टर्स इंजीनियर्स बना चुका हूँ। मैं हेल्थ कैंप रख रहा हूँ, यही कोचिंग कैंप रख के बच्चों को पढ़ाई देके जो है ना जॉब छाने के वास्ते भाई कोचिंग कैंप रख चुका हूँ। और आपको मालूम है मैं 15-20 साल से 1 रुपए करप्शन नहीं है, 1 रुपए कोई आदमी नहीं दिखा सकता राम मोहन रेड्डी साहब 1 रुपए किस वजह से बोलते। ये मैं पूछ रहा हूँ महेश रेड्डी और उसके खानदान, ये वक्फ बोर्ड का छोड़ दो, मंदिरों का भी जमीन खर्चा करे लगा ऐसे लगाए, मंदिरों का भी जमीन खर्चा करे ऐसे लोग हैं। तो आप देखिए शिवारेड्डी पल्ली गांव सुबह अपने दोमा मंडल में दादा दिए तो सुबहानी दादा दिए तो जमीन मैं करंट सबस्टेशन के वास्ते मैं गिफ्ट करके गांव में सबस्टेशन डाला के शिवारेड्डी पल्ली बोमपल्ली दोमा गुडूर सब गांवों को करंट सरफरा होने के वास्ते मैं काम कर रहा हूँ। ऐसी शफीर भाई को बुला के यहाँ पे हर एक मंडल में सबस्टेशन लिए, 220 केवी सबस्टेशन डाला है परगी में, 132 केवी सबस्टेशन डाला है परगी बस स्टेशन को, अहमद शरीफ साहब उसको जो है ना इनॉग्रेशन करे वो सबस्टेशन को 1 रुपए ये हरीश रेड्डी नरेगा महेश रेड्डी नरेगा मई जो है ना 75 लाख रख के बस स्टेशन को एक्सपेंशन करा। और जो है ना माइनॉरिटी के वास्ते जो है ना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के वास्ते मई 2 एकड़ जमीन माइनॉरिटी ग्रेवयार्ड के वास्ते परगी में मई दिलाया। ये जो 25 साल से हुकूमत कर रहे थे हरीश रेड्डी इसका बेटा 2 एकड़ जमीन मैं दिलाया तो उन्हें आधा एकड़ भी आसक नहीं दिला सका बोले तो माइनॉरिटी से ऊपर उसका क्या है बोल के आप पूरा सोच रहा है। और माइनॉरिटी के वास्ते मैं जो है ना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल लाने के वास्ते एमएलए वैसे वक्त मैं खुद बिल्डिंग अपने दसवें पटेल साहब है पटेल साहब का बिल्डिंग गिरा के मैं यहाँ पे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल भी लेके आया। तो मैं पूछ रहा हूँ शादी खाने के वास्ते माइनॉरिटी शादी खाने के वास्ते सदर साहब नहीं है अभी, सदर साहब रहे सब मेरे घर के बाजू जो है ना मेरा 30 लाख रुपए सैंक्शन करे तो ये एमएलए महेश रेड्डी रोक के रखा। अरे सियासत में अगर कोई पिछले वाले कुछ काम करे तो तुम आगे बढ़ाओ, ये अपने घर को ले जाने का कुछ भी नहीं है, मर जाने के बाद खाली नाम रहता फलाना राम मोहन रेड्डी साहब आए तो शादी करने बनाए बैठे बस और कुछ नहीं है। मगर तुम उस से भी तैयार नहीं है, हम जो सैंक्शन करे उसको जो है ना तुम पेंडिंग रखवा दिए, तो अभी हो गया तुम्हारा वक्त हो गया, अब आने वाली वक्त हमारा है जो बिल्कुल जो है ना हमारे माइनॉरिटी भाइयों के वास्ते बहुत लोग ड्राइवर का काम कर रहे हैं। मैं जब सियासत में पहली बार आया था इधर 2006 में वो लोग पूछे साहब हम छोटे छोटे नौकरियां कर ले रहे कोई ड्राइवरिंग कर ले रहे ऐसा कर ले हमको प्लाटा नहीं है साहब गाँवों से पटी में जीरे बोलते। मैं जो है ना वो लोग को प्लाटा दिला फ्री में प्लाटा दिलाया तुमकुल गड्ढे में, वही तुमकुल गड्ढे में जो है ना इंद्रमा गरा बनाया सरकार के तरफ से, वो गहरी को बुला के दावत करे परसों अशरफ भाई और उनके ब्रदर्स पूरे मेरे को बुला के मैं तुमकुल गड्ढे में दावत बनाया, बहुत खुशी हुआ मेरे क्योंकि जो है ना मैं
गिफ्ट फ्री में दिए से प्लाटो में, आज घर बना लेके गैर बना के मेरे को बुला रहे, बहुत खुशी की बात है। सो मैं आखिरी आपको एक ही बोलना चाह रहा हूँ, जो 4% रिजर्वेशन दिए डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब दिए, ये जो केसीआर अपने पास शादनगर में बोला था, क्या बोला था, तमिलनाडु शक्ल में 12% रिजर्वेशन दे तुम बोल के बोला, 12% छोड़ दो, कोई माइनॉरिटी भाई पूछने को गए तो कौन बोला, तेरा बाप बोला क्या बोल के गालियां दे रहा हूं उसको। ऐसे बात है लो आप गाल कर रहे केसीआर, तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको इज्जत के वास्ते बिल्कुल परिये में हमारे माइनॉरिटी भाई यहाँ सब पूछ रहे हैं, मुजब्बर रहमान नसीम भाई सब लोग पूछ रहे हैं इत्या के बारे में, अपने शिकिल भाई सब लोग इधर है, मजीद भाई एक एकड़ जमीन एमएलए बनने के बाद इत्या के वास्ते मैं बिल्कुल पर्दे में दिलाऊंगा, बोलकर आपको वादा कर रहा हूँ, क्या वक्त की पाबंदी है, मैं आपका आवाज असेंबली में सुनाऊंगा, आपके अपन सब भाई भाई है, आपके घर से मैं हूँ बोल के समझ के आप हर एक गांव में जो है ना कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाना, बोल के आपको पूरा मैं रिक्वेस्ट करते हुए अभी अपना चीफ गेस्ट तांडू में जाना है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, हर एक मीटिंग उनका सक्सेस करना मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो है ना अभी अपना चीफ गेस्ट को बात करने के लिए इमरान पटेल को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।